दोस्तों हमारे सामने है मारुति सुजुकी डिजायर। यहाँ पर प्रोफाइल देख सकते हैं गाड़ी का। इस गाड़ी में आपके चार वेरिएंट मिलते हैं, एलएक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई और जेडएक्सआई प्लस। जो हमारे सामने वेरिएंट है ये है आपका जेडएक्सआई वेरिएंट, टॉप सेकंड वेरिएंट, जो कि आपको ऑन रोड मिलता है 9,10,000 रुपये में अकबरपुर केटीएल शोरूम में। तो यहाँ आके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं और गाड़ी की डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये है गाड़ी का प्रोफाइल, देख सकते हैं आप लोग गाड़ी का व्यू। टोटल 6 कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं और गाड़ी में आपको मिल जाता है 1200 सीसी का इंजन, जिसमें आपको माइलेज मिलेगा 24 किलोमीटर पर लीटर का पेट्रोल में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा सामने पेट्रोल वेरिएंट। फीचर्स हम लोग जानेंगे क्या क्या देखने को मिलते हैं। और ये है हमारी इंडियन एस्टन मार्टिन, जो लोग देख रहे होंगे तो इसको इंडियन एस्टन मार्टिन कहेंगे हम लोग। वैसा लुक आपको सामने देखने को मिलता है फ्रंट में। तो ये है पूरा प्रोफाइल गाड़ी का, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फीचर्स जो हैं एक्सटीरियर में देखते हैं तो ये आपको यहाँ पर मिलता है बोनट, जो कि आपको प्लेन में मिलेगा। हल्के स्कर्व आपको मिलते हैं यहाँ पे। हेलोजन में हेडलैम्प्स मिलेगा, टर्न इंडिकेटर यहाँ पर मिलता है और इस जगह आपको मिलते हैं फॉग लैम्प, देख सकते हैं। ये क्रोम का वर्क साइड में आपको मिलेगा और ये आती है आपकी ग्रिल। तो ग्रिल में जो आपका है ये ब्लैक फिनिश मिलेगा, साइड में आपको क्रोम का वर्क आपको मिल जाता है इसके ग्रिल में। और ये आपको सुजुकी का क्रोम फिनिश में लोगो मिलता है। तो यहाँ पर है ये फ्रंट का व्यू और ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं साइड व्यू। साइड व्यू में क्या आता है तो यहाँ पर आता है ये आपके एलॉय व्हील्स, जो कि हैं आपको सिल्वर फिनिश में मिलते हैं। एलॉय व्हील्स का लुक बहुत ही प्यारा है यहाँ पर। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर में आपको मिलते हैं ड्रम ब्रेक्स। और व्हील साइज की अगर हम लोग बात करें तो और वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 15 इंचेस के एलॉय व्हील्स। तो ये है इसका लुक आपको। और यहाँ पर आते हैं ORVM, जो कि है आपको विद टर्न इंडिकेटर के साथ में और ऑटो फोल्ड फीचर के साथ में मिलते हैं। और यहाँ पे आता है ड्राइवर के साइड वाले डोर में, को ड्राइवर साइड, तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है डोर हैंडल में। और बैक में आपको मिल जाता है डोर हैंडल, जो कि है बॉडी कलर्ड। साइड में आपको यहाँ पर डोर के क्रोम फिनिश का वर्क आपको मिल जाएगा। तो ये है इसका लुक। और ये आता है यहाँ पे फ्यूल लेट, जो कि है 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। सर्कल शेप डिज़ाइन आपको मिलता है। और अब आता है यहाँ पर रियर प्रोफाइल गाड़ी का, तो वो हम लोग देखेंगे। तो ये है गाड़ी का रियर प्रोफाइल, यहाँ पर आपको बैक में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मिलेगा बैक में डिफॉगर्स यहाँ पे, और अपर साइड में आपको फोल्डेबल रेडियो एंटीना है। इस जगह आपको मिल जाती है स्टॉप लाइट। और ये है इसका बूट का लुक। तो डिज़ायर के यहाँ पर क्रोम फिनिश में बैजिंग मिलती है, सुजुकी का क्रोम फिनिश में लोगो मिल जाता है और बैक में यहाँ पर एक स्ट्रिप मिलेगी क्रोम फिनिश की। तो ये है, और यहाँ से आपका बूट ओपनिंग का बटन है, तो ये मिलता है। स्टॉप लाइट यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर ब्लिंक करती है। ये आपको टर्न इंडिकेटर है, यहाँ पर रिवर्स पार्किंग की लाइट मिलती है और 4 रिवर्स पार्किंग के सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये है इसका रियर व्यू। और यहाँ पर देखेंगे गाड़ी का तो ये मिलता है रिफ्लेक्टर्स आपको बोथ साइड में देखने को मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm का आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। चलिए मैं अंदर देखते हैं इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स हमको देखने को मिलेंगे, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ड्राइवर साइड में आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ भी, तो बोथ साइड ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और ये आता है यहाँ पर ड्राइवर साइड डोर का लुक आपको देखने को मिलता है, डुअल टोन में मिलेगा। यहाँ पर आता है ये आपको ब्लैक फिनिश और ये आता है यहाँ पर पीच कलर। तो ये आएगा क्रोम फिनिश में। लॉक का बटन है यहाँ पर, लॉक का, डोर लॉक का बटन है। यहाँ पर आपको 4 पावर विंडोज़ मिल जाती हैं और ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन है। लॉक और लॉक का बटन है डोर का। यहाँ पर देखिए ORVM फोल्ड का बटन है, आपको यहाँ से ORVM एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर वुडन टेक्सचर का डिज़ाइन आपको मिल जाता है ग्लॉसी फिनिश में। यहाँ पर आपको मिलता है ग्रैब हैंडल छोटा सा। ये बॉटल स्टोरेज है, यहाँ पाली स्टोरेज है। यहाँ पर स्पीकर मिलता है, 4 स्पीकर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं गाड़ी में। और ये आपको यहाँ पर मिलता है ट्विटर, ये आएगा ट्विटर, बोथ साइड आगे देखने को मिल जाएंगे। और इंटीरियर का भी हम लोग देखते हैं क्या क्या हमको देखने को मिलता है, वो हम लोग चेक करते हैं। तो सीट्स हैं यहाँ पर आपको मिलती हैं सॉफ्ट टच में देखने को। और ये इसके सीट्स में 2 बटन मिलते हैं, एक आपको ये मैनुअल एडजस्टेबल इंक्लाइनेशन में मिलेगा और ये सीट फोल्डिंग का बटन है। यहाँ से देखिए बूट ओपनिंग का बटन आपको मिलता है और एक ही आपको मिलता है फ्यूल लिड ओपनिंग का बटन। तो यहाँ पर देख सकते हैं लुक। अभी चल के हम लोग देखेंगे बूट, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आगे इंटीरियर में। तो सीट्स अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट बोथ साइड में मिलेंगे और यहाँ पर भी आपको बैक सपोर्ट सॉफ्ट में मिलता है। तो बैक के देखते हैं गाड़ी में, यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन और ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है राइट साइड में। क्रोम फिनिश साइड में है। ये आता है AC वेंट्स आपको मिलते हैं, जो कि पीच कलर में मिलेगा। और अपर साइड में आपको ब्लैक फिनिश में आपको ये डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। ये इसका प्रोफाइल। और इसको करते हैं अभी हम लोग क्लोज और ये देखते हैं इसका हम लोग
ये आता है इसका स्टेयरिंग। तो स्टेयरिंग देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये आपको लेदर फिनिश यहाँ पर मिलेगा और ये आता है यहाँ पे वुडन टेक्सचर का डिज़ाइन आपको स्टेयरिंग में देखने को मिलेगा, जो कि अब आपको बहुत ही प्यारा देखने को मिलता है, अब आप इसमें ऐड किया गया है। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर। और ये है यहाँ पर क्रोम फिनिश का वर्क, सुजुकी क्रोम फिनिश में लोगो है और दो एयरबैग आपको यहाँ पर मिल जाते हैं गाड़ी में। तो इसका ये लुक मिलता है। यहाँ पर म्यूट का बटन मिलेगा आपको, यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल्स है, मोड का बटन है, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट वॉइस कमांड भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और सामने आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेफ्ट साइड में आरपीएम है, राइट साइड में 220 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड है और बीच में आपको यहाँ पर MID देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको मिलेगी ट्रिप डिस्टेंस किलोमीटर सारी डिटेल्स। तो ये आता है। और स्टीयरिंग का कॉलम देखते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टिल्ट में, तो ये आप लोग हाइट के अकॉर्डिंग अपने एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये आता है यहाँ पर पूरा प्रोफाइल। राइट साइड में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल और लेफ्ट साइड में वाइपर्स के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। तो ये है इसका पूरा लुक यहाँ पे सामने मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे सामने, तो ये मिल जाता है यहाँ पे दो AC के वेंट्स हैं सामने, सिल्वर फिनिश साइड में मिलता है, पार्किंग लाइट का बटन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये आता है सामने इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि है 7 इंच का, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले फीचर आपको यहाँ पर सारा कुछ देखने को मिल जाता है। तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो लुक आप लोग देख सकते हैं। और इसमें ये है पूरा इसका लुक जो सामने आपके है। और यहाँ से ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पर देखने को, पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पर देखने को पूरा ये मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो ये है। और यहाँ पे AC के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, डिजिटली इन्फॉर्मेशन AC की मिलेगी, ये फैन कंट्रोल्स है, AC ब्लोवर है, और यहाँ पे आपको मैनुअल बटन्स आपको मिल जाती हैं, ऑटो AC का ऑप्शन है, ये फ्लो मिल जाता है। तो यहाँ पर ये मिलेगा 12 वोल्ट 120 वाट का सॉकेट यहाँ पर मिलेगा, और USB पॉइंट ऑक्स केबल आपको यहाँ पर राइट साइड मिलता है। इस जगह आपको मोबाइल का स्टोरेज है। और यहाँ पर आपको मिलता है दो कप होल्डर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और गाड़ी की अगर कीस देखें तो यहाँ पर आपको दो बटन है, एक लॉक अनलॉक का, एक और तीसरा बटन आपको मिलता है बूट ओपनिंग का। तो यहाँ पर तीन बटन आपको देखने को मिलेंगे इस डिज़ायर में। ये आएगा इसका व्यू। और ये है इसका गियर बॉक्स, 5 गियर बॉक्स मिलते हैं, सिल्वर फिनिश आपको साइड में मिलेगा, यहाँ पर लेदर का कवर आपको मिल जाता है। ये आएगा हैंड ब्रेक, जो कि क्रोम फिनिश बटन के साथ में, यहाँ पर भी स्पेस है, आपको मोबाइल रख सकते हैं यहाँ पर। और इस जगह साइड में देखेंगे तो 12 वोल्ट 120 वाट का सॉकेट आपको मिलता है, यहाँ पर आपका मोबाइल स्टोरेज है। ये आएगा यहाँ पर आगे का व्यू पूरा। और ये जो है यहाँ पर ग्रैब हैंडल, इसके साइड में वुडन टेक्सचर है। यहाँ पर देखते हैं तो ये आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा, छोटा सा आपको देखने को मिल जाता है। वुडन टेक्सचर का जो डिज़ाइन है यहाँ पर भी आपको मिलता है। और अपर साइड में देखते हैं तो ये मिलेगा सन वाइज़र विथ टिकट होल्डर, और लेफ्ट साइड भी आपको सन वाइज़र विथ वेंटी मिरर मिलता है। यहाँ पर IRVM मैनुअली एडजस्टेबल है। यहाँ पर आपको देखिए आपको एक लैंप लाइट अपर साइड में मिल जाती है, दो माइक्रोफोन के कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये है। और लेफ्ट साइड में आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा सॉफ्ट फोल्डिंग के साथ में। तो इतना कुछ है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गाड़ी में। अब चलते हैं बैक वाली सीट में, वहाँ पर स्पेस चेक करते हैं वो कितना हमको देखने को मिल जाता है। तो वहाँ चलते हैं अभी। और ये है इसका लुक वाला डोर का व्यू है बैक वाला। तो यहाँ पर देखेंगे तो बैक वाले डोर का व्यू देख सकते हैं, ये भी आपको डुअल टोन में मिलता है, यहाँ पर ब्लैक फिनिश है और ये आपको यहाँ पर पीच कलर का वर्क मिलता है। ये है ग्रैब हैंडल, यहाँ पर आता है ये आपका मिरर का कंट्रोल है, और यहाँ पर बॉटल स्टोरेज है, यहाँ पर स्पीकर मिलता है, तो दो स्पीकर बैक में मिल जाते हैं। और जो इंटीरियर का व्यू है देखते हैं तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच में सीट्स मिलेंगी, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको बैक में मिल जाते हैं। बैठ के देखते हैं स्पेस कितना है बैक में। तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये लेग रूम अच्छा खासा आपको मिलता है, आराम से आप लोग यहाँ पर 3 लोग ट्रैवल कर पाएंगे। और बैक में ये आपको यहाँ पर स्पेस दिया जाता है, कुछ भी बॉटल वगैरह रख सकते हैं, जो कि लेफ्ट साइड में आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पर मिलेंगे AC के वेंट्स बैक के लिए, दो मैनुअली एडजस्टेबल। ये आता है इसका पूरा प्रोफाइल। और बैक में भी आपको देखिए एक लैंप लाइट आपको बैक में देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर ये मिलेगा। और लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ साइड में आपको यहाँ पे सॉफ्ट फोल्डिंग के साथ में ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। और बैक का व्यू देखते हैं सीट का, तो क्या मिलता है यहाँ पर है देखिए, ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट बैक में भी आपको दो मिलते हैं, और एक आपको यहाँ पर मिल जाता है आर्मरेस्ट। तो इसका व्यू देखते हैं हम लोग, आर्मरेस्ट मिलेगा इसका प्रोफाइल कैसा आता है। तो ये देखेंगे इसका ये व्यू मिलता है, आपको देख सकते हैं ये आपको मिलेगा, यहाँ पर दो कप होल्डर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इजीली आप लोग कंफर्टेबली 2 लोग आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये आएगा इसका लुक। और बैक में यहाँ पर जो है ये आपको क्लोज्ड में पूरा मिल जाता है इसका प्रोफाइल। तो ये है पूरा लुक यहाँ पर गाड़ी का। और अब हम लोग चलते हैं गाड़ी का बूट चेक करते हैं, स्पेस कितना देखने को मिलेगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं बैक में चल के।
तो इसको ओपन करते हैं अभी, और ये है यहाँ पर प्रोफाइल। चलिए बूट देखते हैं गाड़ी का कितना मिलता है। तो यहाँ से हम लोग बटन टच करेंगे, बटन हम लोग टच करते हैं जिसका बूट जो है आपको आगे ड्राइवर साइड से ओपन होता है, तो ये आपका है। और यहाँ से ओपन करेंगे हम लोग तो ये आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके का व्यू, बैक का देख सकते हैं। और स्पेस की अगर बात करें तो 378 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल जाता है इस सेडान में। और अपर साइड में देखें तो यहाँ पर एक आपको लैंप लाइट देखने को मिल जाएगी। तो ये है इसका बूट का लुक, यहाँ पर इस तरीके से ओपन का आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। और इसको अगर क्लोज़ करते हैं तो ये पूरा प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाता है गाड़ी का। तो गाड़ी का आपको कैसी लगती कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके कार वीडियोज़ आपको यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।